पक्ष की अमावस्या के दिन हित चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 30 के करीब लावारिस लोगों की अस्थियां मां गंगा की गोद में विसर्जित की गई। जानकारी देते हुए हित चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक हितेश पावा ने बताया कि इस दौरान पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर 30 लावारिस लोगों की अस्थियों को मां गंगा की गोद में विसर्जित कर मोक्ष दिलवाया गया और उन सभी लोगों की आत्मिक शांति की प्रार्थना की गई। ट्रस्ट के संस्थापक हितेश पावा ने बताया कि वह पिछले 16 वर्षों से इस कार्य को कर रहे हैं और ऐसा करने से उन्हें आत्मिक शांति प्रदान होती है। कहा कि हित चैरिटेबल ट्रस्ट सदैव आप लोगों की सेवा में तत्पर है और जिस किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट की सेवाओं की आवश्यकता हो वह हमसे संपर्क कर सकता है। इस मौके पर उनके साथ मनीष उप्पल, लक्ष्मीकांत, परमजीत शर्मा, मुकेश पसरीचा भी मौजूद रहे और उन सभी ने ट्रस्ट के संस्थापक हितेश पावा द्वारा समाज को दी जा रही उनकी सेवाओं को लेकर खूब सराहना की। दोस्तों सबको मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। आज हित चैरिटेबल ट्रस्ट कोई 28 या 30 बंदों की अस्थियां लेके जा रहे हैं, जो कुछ ऐसे ही हैं कि जो हमने संस्कार करे हैं और कुछ आज 20 एकड़ के शमशान घाट से भी। तो आज अमावस का दिन है, इन पितरों को, इन पुण्य आत्माओं को आत्मा की शांति के लिए हरिद्वार जा रहे हैं अपने सेवादारों के साथ मिलकर। मेरे परम पूज्य बाबा जी की प्रेरणा, भगवान नारायण जी की प्रेरणा से आज विश्व में सबसे बड़ा काम किया आज बाबा जी ने। इन प्राणियों के लिए बड़े श्रद्धापूर्वक वेद मंत्र द्वारा उन अस्थियों का प्रभात कराया, उनके लिए श्राद्ध किया, उनके लिए तर्पण किया और आज जो है बाबा जी कितने वर्ष हो गए बाबा जी आपकी बात करें 16 वर्ष हो गए और 16 वर्ष में भी जो है इन्हीं प्राणियों की सेवा करो बाबा जी के द्वारा। आज बाबा जी ने इतना महत्व कार्य किया है कि 16 वर्ष में पहली बार इस तरह का जश्न श्राद्ध वगैरह करते थे, तीसरी मावस है और तीसरी मावस में जो है बड़ा पुण्य लगता है, उन आत्माओं को मोक्ष मिलेगा और बाबा जी का बड़ा योगदान। मैं भगवान गंगा जी से प्रार्थना करता हूँ, भगवान विष्णु से प्रार्थना करता हूँ कि सदैव ये प्रेरणा बाबा जी की बनी रहे और भाई सबको जो है सभी जितने आए हैं हमारे साथ इन सबको प्रेरणा बनी रहे और सबको जो है प्राणियों को मोक्ष दिला दे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा। जय श्री जी। 8 अगस्त के बाद आज आया है 28 या 30 बंदों की अस्थियाँ लेकर, फूल लेकर। आज मामस का दिन है, पितरों का आज लास्ट दिन है। हम हाथ जोड़ के पितरों से, उन अज्ञात व्यक्तियों से प्रार्थना करते हैं अपने स्वर्ग में रहें, अपना आसन वहाँ पे ग्रहण करें और हमें अपना आशीर्वाद देते रहें। आज जैसे ये अस्थियाँ हमने विसर्जन करी हैं, ये रूहें जो गई हैं ऐसे लगता है जैसे हम सबकी पीठ थपथपाती गई, हमें अपना अपना आशीर्वाद देती गई और इनका आशीर्वाद, आप भाइयों का आशीर्वाद हम पर रहे। हम ऐसी तन मन धन से ये समाज की सेवाएं करते रहें, ऐसी प्रेरणा मिलती रहे हमें, हम इन कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और सेवा करें और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलता रहे। आज 16 वर्षों से हम पंडित संजय जी के पास आते हैं, इनका बहुत भरपूर आशीर्वाद मिलता है हमें और इतना भरपूर कोई ना कोई नया आदमी भी आता है। तकरीबन उप्पल जी, गुप्ता जी, परमजीत जी, मुकेश रिजा जी, हम सब आए हैं, सब ने मिलकर के ये कार्य करा, बहुत बहुत धन्यवाद। हित चैरिटेबल ट्रस्ट आप सबकी सेवाएं में है। आज हमारा सौभाग्य रहा, दिल्ली से एक हमारी पूजा बहन जो वहाँ पे संस्कार करती हैं अज्ञात व्यक्तियों के, आज मेरे 200-250 व्यक्तियों की अस्थियाँ लेकर आई हैं, उनके भी हमें दर्शन हुए, हम उनसे मुलाकात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, मेरा प्रणाम, नमस्कार। ओम शांति शांति शांति।